तो ध्रुव सिंह जी, क्या पूरा मामला है बताइए जरा। देखिए मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी सरहद के बीएसएफ का एक बाड़मेर वाला पोस्ट है, वहां पर सीमा सुरक्षा बल की लगातार चौकस नजरें थी। और चूंकि थोड़े समय बाद राष्ट्रीय पर्व भी मनाया जाना है, तो इसलिए पहले से ही सीमा सुरक्षा बल यहाँ पर काफी सतर्कता बरत रही है। और पश्चिमी सरहद के उस पार सिंध इलाके के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान की लगातार मूवमेंट्स है, उसको देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता लगातार यहाँ पे बरती जा रही है। सूचना यह है कि यहाँ पर दो पाकिस्तान की तरफ से आने वाली घुसपैठियों ने सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की। उस दौरान सीमा सुरक्षा बल के जो प्रहरी थे, उन्होंने उनको अंदर आते हुए देख लिया। कई बार जो नियमानुसार चेतावनी दी जाती है कि वो अपने आप को या तो सरेंडर कर ले या फिर वापस लौट जाए, लेकिन उन्होंने इसको अनसुना किया। भारतीय सीमा में उन्होंने प्रवेश करने का प्रयास किया और सीमा सुरक्षा बल ने फायर किए, और इस फायरिंग में दोनों घुसपैठियों की मौत की खबर है। अभी फिलहाल वहां पर जो एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत वहां पर पूरी यहां पर कागजी कार्रवाई की जाएगी। चूंकि दोनों देशों के बीच का मसला है, इसलिए यहां पर फ्लैग मीटिंग भी संभावित है कि पाकिस्तान के अधिकारियों से, जो रेंजर्स हैं, उनसे बात की जाए और उनको बताया जाए कि आपके दो घुसपैठी हमारे यहाँ क्षेत्र में आए हैं और हमने उनको चेतावनी दी, बावजूद इसके वो रुके नहीं, तब फायरिंग में उनकी मौत हो गई है। उसके बाद वो शव पाकिस्तान की तरफ से रेंजर्स स्वीकार करते हैं या नहीं, ये अभी भविष्य की गर्म है। लेकिन यहाँ पर इस बात को बताना बहुत जरूरी है कि पश्चिमी सरहद पर लगातार सीमा सुरक्षा बल, चाहे हेरोइन तस्करी की बात हो, चाहे किसी भी तरीके से घुसपैठ की बात हो, यहाँ पर लगातार पाकिस्तान की हर नापाक जो हरकत है उनको यहाँ पर नाकाम करती आ रही है, और सीमा सुरक्षा बल ने आज भी यही दोहराया है। जी जी बिल्कुल, जो भी हमारे भारत पाकिस्तान में जो भी विवाद चलता रहता है, हमारे जो भारतीय जवान हैं वो हमेशा मुस्तैद रहते हैं। लेकिन इसमें ये भी देखा जा सकता है कि क्या उनके पास कुछ हथियार मिले हैं, ऐसा भी कुछ सामने आया है? देखिए फिलहाल सीमा सुरक्षा बल वहां पर, जहां पर इन लोगों को शूट किया गया है, जो गोलीबारी में इनकी मौत हुई है, वहां पर उस क्षेत्र में लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। उनके पास क्या कागजात थे या उनकी मंशा क्या थी, उनके पास जो चीजें जब्त होगी उससे ये बात स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उनके पास हथियार है, और लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि सीमा सुरक्षा बल थोड़ी देर बाद इस घटनाक्रम को लेकर अपना बयान रिलीज करेगी कि आखिर इनके पास क्या सामान जब्त हुआ है और ये किस मकसद से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे थे। जी जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।